की खामोशी है, फिर शेर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. समझ में आया तो बस ऐसे ले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब बीजेपी की हुकूमत थी कर्नाटका में, तो रोज हमको टीवी पे क्या दिखता था? अजान, हिजाब, झटका कट, हलाल कट, है कि नहीं भाई? हमको तो क्या था पता नहीं, झटका कट भी पता नहीं, हलाल कट भी, मसाला डाले तो सब एक जैसा लगता था। अभी आपके आशीर्वाद से कर्नाटका, हमारे समाज में थोड़ा बहुत तो सुकून महसूस हो रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत। अभी कर्नाटका में बात क्या हो रही है? तरक्की की बात हो रही है, युवाओं की नौकरी की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, आपके घर कैसे चलाने की बात हो रही है, आर्थिक समानता की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। कर्नाटका की और आपकी, आपकी बच्चों की तरक्की की बात खुलेआम। यह है फर्क बीजेपी और हम में। आपको याद होगा 8-10 महीने पहले आप आपके घर रहे थे, गली गली फिरे, हर दरवाजा खटखटाया, खटखटा के बोले कि आपके आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी में रहने के ऊपर रहने दीजिए, हम आपको 5 गारंटियां आपके घर तक लेकर आएंगे। 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 8-10 महीने के बाद हम खाली हाथ नहीं आए हैं, हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं, पर 5 गारंटी आपको पहुंचाने के बाद आए हैं। 5 गारंटी युवानिधि, हमारे शरण प्रकाश साहब का पेट प्रोजेक्ट जो है, 20,000 युवा हमारे कलबुर्गी में उसका फायदा ले रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। अन्ना भाग्य योजना, जिसे आपको राशन मिलता है, आपको याद रहेगा जब हमारी सरकार थी तो आपको 10 केजी मिलती थी, जब येडियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर बने 7 बन गए, जब बम्बई चीफ मिनिस्टर बने 5 बन गए। हमने वादा किया था तो हमको वोट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम 5 का 10 बनाएंगे करके हम बोले थे। अभी आपके घरों में राशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, हाथ उठा के बोले आ रहा है, आ रहा है। सिर्फ आपको नहीं आ रहा है, जितने आप मोहल्ले में बैठे हो ना, सिर्फ आपको नहीं आ रहा है, कलबुर्गी में 19 लाख घरों को हम दे रहे हैं, 19 लाख घरों को। गृह ज्योति योजना, करंट बिल 0 बिल आ रहा है कि डबल बिल आ रहा है? 0 बिल आ रहा है। जिसको भी 0 बिल आ रहा हाथ उठाए गृह ज्योति योजना में। चलिए अच्छा हुआ, सिर्फ इस मोहल्ले को नहीं मिल रहा है, 5,21,000 फैमिलियों को आज गृह ज्योति मिल रहा है, 5,21,000। कहां पे? सिर्फ गुलबर्गा की बात कर रहा हूं। गृह लक्ष्मी योजना, क्योंकि हमको पता है कि आपका घर चलाना कितना मुश्किल हो गया था, रसोई कितने चलाना कितना मुश्किल हो गया था कोरोना के बाद, हुआ था कि नहीं? घर चलाना मुश्किल हुआ था कि नहीं? इसीलिए हमने क्या किया, हमने सोचा हमारे महिलाओं को हम थोड़ा मजबूत करेंगे फाइनेंशियली, तो इसलिए हर महीने
2000 रुपए आपके महीने आपके बैंक अकाउंट में डालना शुरू किया। गृह लक्ष्मी योजना में सबको मिल रहा है, आप बोलो सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सिर्फ आपको नहीं, हमारे जिले में 5,22,000 महिलाओं को मिल रहा है। आप बस पे जा रहे हैं कि नहीं, फ्री में जा रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं नहीं ले रहे, कोई पूछ भी नहीं रहा ना, सिर्फ आप ही नहीं, आप पूरे कर्नाटक में हर रोज 7,00,000 महिला मुफ्त में बस चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हॉस्टल जा रहे हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं सरकारी दफ्तर जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, दरगाह जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, है कि नहीं। पूरे कर्नाटक में 4,07,00,000 लोग आज 5,00,005 गारंटी ले रहे हैं, 5 गारंटी कितने लोग ले रहे हैं, 4,07,00,000, 4,07,00,000, ये किसके किसके वजह से हुआ, कांग्रेस पार्टी से नहीं हुआ, आपके वोट से हुआ, आपके वोट से हुआ, आप सही तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किए इसलिए हुआ। जब भी आप कांग्रेस को मजबूत करते हैं तो हम ऐसे योजनाएं लाते हैं जिससे आपके जीवन में सुधार आए। हम भावनाओं के विचारों में नहीं बात करते बीजेपी की तरह, हम आपके जीवन के सुधार के लिए क्या होना है वो बात करते हैं। ये गारंटी के बारे में भी भाजपा को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे आपको तरक्की मिलती है। एक फैमिली कैसा चलता है मोदी जी को पता नहीं भाई, सब लोग अपने अपने अभी भी वो मोदी जी के पूरे वो भाजपा के ऑफिस बेरर्स देखो, मंत्री देखो, एमएलए देखो, सब लोग अपना नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या लिखते हैं सर, मोदी का परिवार। एक आदमी को अपना परिवार खुद चलाने का मजबूरी पता है, मुश्किल पता है, तो ऐसा नहीं होता था। अभी सब लोग मोदी का परिवार लगा रहे भाजपा वाले। अभी मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि भाजपा जब आती है तो बात क्या करती है, आपके बारे में कभी बात किया है, आवाम के बारे में बात किया है कभी, हमारी युवाओं के तरक्की, हमारे महिलाओं के समृद्धि के बारे में बात किया है, नहीं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप सब लोग अभी सोशल मीडिया में, जैसे भानु प्रताप साहब ने बोल रहे थे कि सब लोग सोशल मीडिया पे न्यूज देखते हो, टीवी चलाते हो, पहले दौर के इलेक्शन में जब फेज 1 था, ये 22 से पहले मोदी जी का भाषण अलग तरह के किस्म का था, जब भी मंच पे आते थे उनका भाषण ऐसा रहता था कि पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटी के अन्नदाता रही है, उन्हीं से आपकी तरक्की हो रही है। अब उनका भाषण सुनिए, 19 से पहले, अप्रैल 19 से पहले आप उनका भाषण सुनिए कौन से भी मंच पे, अरे मुसलमान के महिलाओं को हमने किसी चुंगल से निकाल दिया, ट्रिपल तलाक हमने बैन करके, कश्मीर में संविधान नहीं था, आर्टिकल 370 देख के हमने संविधान इसको दे दिया, जम्मू कश्मीर को दे दिया, ये हमारे सऊदी अरब का राजा से बात करके हमने आपका हज का कोटा ज्यादा बना दिया, ये 19 से पहले। उसके बाद 20-21 पे पोलिंग हुआ, क्या अजमल भाई पोलिंग 19 को हुआ ना, 19 के बाद जब फर्स्ट फेज का पोलिंग हुआ, तब जिनको उनको क्या लगता था कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिलेंगे, पर फेज 1 पोलिंग के बाद उनकी कुर्सी थोड़ा डगमगाने लगे, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया, RSS का रिपोर्ट आया कि
जितना आप सोच रहे हैं उतना आप मजबूत नहीं हो भाई। हिंदुस्तान की आवाज मजबूत है और इस बार आपको रिजेक्ट कर रही है करके हमको एक महसूस हो रहा है करके मोदी को बोल दिया। तो नागपुर आरएसएस के कचहरी पे गए वो मीटिंग, ये सब अखबार में है, मेरा मेरी कहानी नहीं है, ये अखबार में है। आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके मीटिंग करने के बाद आप उनका भाषण सुनिए, अप्रैल 23, अप्रैल 22, अप्रैल 23, अप्रैल 24 छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो बात भानु प्रताप साहब ने कहा, डॉक्टर मुस्तफा साहब ने कहा, शरण प्रकाश साहब ने कहा, मोदी जी वही कर रहे थे। क्या कहे मोदी जी ने उस तरफ, पहले तो छत्तीसगढ़ में भगवान के नाम पे वोट मांगा, राम के नाम पे वोट मांगा, वो भी इलेक्शन के रूल्स के खिलाफ है। फिर बोले गोवा में कांग्रेस वाले संविधान ही नहीं लाना चाह रहे, फिर झूठ। वो मंच पे एक प्रधानमंत्री होके इतना झूठ बोलते हैं, वो आईना कैसे देखते हैं पता नहीं भाई मुझको। इतना झूठ बोलते हैं। अरे मैं एक प्रधानमंत्री हूं, एक सीमा में रहना चाहिए, मेरे कुर्सी पे कुर्सी का वजन है, डिग्निटी है, 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग मुझ पे भरोसा करके मैं उनका सदर हूं, 3000 साल पुराना हमारा एक कल्चर, उसका मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूं, कभी भी नहीं आता उनको। आराम से झूठ बोलते हैं, एक छोटा बच्चा भी दो बार सोचता है झूठ बोलने से, पर मोदी जी ऐसा सोचते ही नहीं शायद। जाके बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में संविधान नहीं था, मोदी आने के बाद संविधान आया जम्मू कश्मीर में। फिर 60-70 साल हम किसके हुकूमत में रहे पता नहीं भाई हमको, तो हमारा यहाँ तो संविधान था हिंदुस्तान में। वही बात फिर अप्रैल 23 जयपुर में बोल रहे थे, फिर अभी भगवान श्री राम को छोड़ दिए छत्तीसगढ़ में, जयपुर में आते ही हनुमान को पकड़ लिए, हनुमान के नाम पे वोट मांगे, फिर इलेक्शन कमीशन का रूल्स तोड़े। उधर जाके कर्नाटक की बात करते हैं, कहां पे, राजस्थान में बोलते हैं, बेंगलोर में एक दुकानदार हनुमान चालीसा पढ़ रहा, म्यूजिक हनुमान चालीसा श्लोक बजा रहा था, जाके लोग कांग्रेस वाले जाके उसको मार दिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, खुद बीजेपी के एमएलए बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, म्यूजिक बजा रहा था, कुछ लोग आए, बच्चे इनमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, सब उनके दोस्त थे, म्यूजिक इतना क्यों शोर मचा रहे, थोड़ा कम करो, उसी बात पर झगड़ा हो गया करके बीजेपी भाजपा का एमएलए बता रहा है, पर तेजस्वी सूर्य नहीं मान रहा है, वो दुकान वाला बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, पर तेजस्वी सूर्य नहीं मान रहा है। उधर का पुलिस स्टेशन पे बोल रहा है कि नहीं सर ऐसा छोटा बात है, बड़ा मत पढ़ो, नहीं हम बड़ा बनाएंगे करके बड़ा बना भी दिए। फिर एफआईआर हुआ, एफआईआर में कुछ ऐसा कुछ आया भी नहीं इन्वेस्टिगेशन में। ये झूठी बात हमारे प्रधानमंत्री किधर बोलते हैं, जयपुर में, राजस्थान में। क्या हमारा कोई इज्जत नहीं है क्या कर्नाटका का? हमारी वजह से प्रधानमंत्री जी यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान चल रहा है, हमारी मेहनत की वजह से वो उधर चल रहा है, कोई यूपी का वाला हम कोई कभी भी पता चला है क्या, कोई कर्नाटका से यूपी के लिए काम के लिए गया हो, मध्य प्रदेश के लिए काम के लिए गया हो? नहीं। पर बेंगलोर आए दिखा दो, पूरा नॉर्थ बेंगलोर में, साउथ बेंगलोर में, व्हाइट फील्ड में नॉर्थ इंडिया आए जैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुख है, शांति है, समृद्धि है, तरक्की है, नौकरी हम दे रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान की आवाम को नौकरी कर्नाटका दे रही है। ऐसे राज्य को जाके उधर बदनाम करते हैं और बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन है हमने SC ST से लेके आपको दे दिया, मुसलमानों को दे दिया। जब राजीव गांधी जी थे हमारा भी 400 सीट था, पर हम ऐसे नहीं पब्लिक में बोला करते थे भाई।
एक बात बोलता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मोदी जी को, भाजपा को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि लोकसभा में उनके मेजोरिटी है, राज्यसभा जहां खड़गे साहब है, जहां आपके आदमी है, उधर उनका मेजोरिटी नहीं है। जो भी बिल आपके खिलाफ जाता है, आवाम के खिलाफ जाता है, उधर खड़गे साहब डट के रहते हैं उसके खिलाफ, उधर मेजोरिटी नहीं है। अगर 400 सीट उनको लोकसभा में आया तो उनकी गिनती, उनकी संख्या राज्यसभा में भी एक साल में बढ़ेगी। लोकसभा में भी मेजोरिटी, राज्यसभा में भी मेजोरिटी आके संविधान में इसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं संविधान के तहत। तो संविधान में जब स्पेशल मेजोरिटी होता है तो अपोजिशन को कोई पूछने वाला नहीं रहता है। तब कोई क्या भी, कौन सा भी आप योजना लेकर आओ, कौन सा भी नीति लेकर आओ, कौन सा भी पॉलिसी लेकर आओ, कौन सा भी कानून लेकर आओ, वो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में बिना चर्चा के पास होके कानून बन जाता है। अभी CAA, NRC, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो सब लाने के लिए उनको 400 सीट चाहिए। अब थोड़ा ध्यान में आया कि उनको अब की बार 400 बार बोल रहे हैं, क्योंकि उनको रिजर्वेशन हटाना है, उनको CRC लाना है, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, उनको डिक्टेटरशिप लाना है, इसलिए तो चाह रहे वो 400 सीट। मैं एक वादा दे करता हूं, जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक उनको 400 सीट कभी भी नहीं मिलेगी, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यही हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अगर कांग्रेस को हम सत्ता में आने दिए तो हम सबका प्रॉपर्टी लेकर मुसलमान को बांट देंगे। 60 साल 70 साल कभी ऐसा हुआ है क्या? संविधान के तहत कर सकते हैं क्या? बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू मां बहनों के जो मंगल सूत्र है वो बेचे जाएंगे, कांग्रेस पार्टी बेच देगी। 70 साल में हमने ना ऐसा किया है ना करेंगे। हम सब बाबा साहेब अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं, जो भी संविधान में लिखा है वही वो करेंगे। तो बात के जो भी जायदाद है, जो भी आपके सेवर है, सब बात के मुसलमान जो बच्चे ज्यादा पैदा करते थे, मुसलमान जो बच्चे ज्यादा पैदा करते घुसपैठिया और घुसपैठिया। अगर बच्चे ज्यादा करने वालों को ही देना है, ये जो बात कही है ये सिर्फ एक कौन को सीमित नहीं है, इन्होंने सबके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और लीडर्स हो, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहते हैं, वो कभी बुक बुक नहीं पढ़ते, डॉक्यूमेंट्री नहीं देखते, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, उनका ऊपर दिल्ली से क्या आता है वही पढ़ के आता है। सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग तो ये किसका अवमान हुआ भाई, किसके अवमान हुआ? उसको थोड़ी तो अकल है जो भाजपा वालों को, बाबा साहेब अंबेडकर के 14 भाई बहन थे, कितने? 14। सुभाष चंद्र बोस के 14 भाई बहन थे। भारत रत्न वीवी गिरी साहब, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनके 14 थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के 7 थे। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, अभी जो नया प्रेम रोड बना है ना उनको बिहार में, उनके 7 है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के भी 4 है। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के 7 है। हम 5 है भाई, हम 5 लोग है हमारे घर में। क्या मतलब है इसका? तो प्रधानमंत्री होके ऐसे बात करते हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, बाकी का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़ पॉपुलेशन है, बाकी का पॉपुलेशन एक ही कम्युनिटी का है क्या? थोड़ा तो कॉमन सेंस रहना चाहिए ना। बोलते हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र भी नहीं है। अरे भाई, आपने भी किसी को मंगलसूत्र डाला था ना? क्या हुआ? अगर आप हमारे बहनों को, माताओं के बारे में पूछ रहे तो हम भी पूछना पड़ता। आप भी किसी को वादा दिए थे ना? आपने भी साथ फोटो लिए थे ना?
क्या बात है? तो इसीलिए ये जो बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, सिर्फ हमारे आपस में बंटवारा करने के लिए, उनका काम है समाज तोड़ने का, हमारा काम है समाज जोड़ने का। उनको अपने कुर्सी के लिए समाज में कितना भी वाद लगाना चाहिए वो लगाएंगे, पर हमको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी है कानून के तहत करेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान हमारे रक्षण के लिए खड़ा है अभी भी। इसीलिए प्रियंका गांधी जी ने कल बोला, बहुत अच्छी तरह बोला, कि जरूर कभी कांग्रेस पार्टी ने किसी के किसी हालत पर हमारे नागरिक जेवर नहीं बेचे थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, जब हमारे चीन के मुकाबले युद्ध हो रहा था, तब नेहरू जी ने बोला था कि अगर आपको आपसे आपके घर में जरूरत से ज्यादा जेवर है तो आर्मी को दीजिए, वो सोना जो है हम बेच के हम लड़ाई करेंगे चाइना से, नेहरू जी ने बोला था। तो इंदिरा गांधी जी ने अपने पूरे जायदाद जेवर जो भी है इंडियन आर्मी के नाम दिया है। सोनिया गांधी जी ने अपने मंगल सूत्र देश के लिए कुर्बान किए थे। प्रियंका गांधी ने कल बहुत खूब जवाब दिया, पर भाजपा ने भी जेवर बेच दिए थे हमारे इसके टाइम। पिछले 10 साल में ऐसे अनेक घटनाएं हुई है, जब आप सुनेंगे तो आपके आंखों में पानी आएगा। आप ही बोले, पिछले 10 साल में महंगाई के वजह से कितने फैमिली अपने जेवर बेचे कि नहीं? महंगाई के वजह से जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तब जेवर बेचे कि नहीं बेचे? जब कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कम लगे, जो 100 रुपए का इंजेक्शन 10,000 रुपए में बिकता था, जब एक ट्रीटमेंट पैकेज डील में सरकार बनाई थी 8 लाख 10 लाख 12 लाख 20 लाख, तब जेवर बेचना पड़ा कि नहीं? बोले तब किसकी हुकूमत थी? जब हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, जब पीएसए बनना चाहते थे, इंस्पेक्टर बनना चाहते थे, असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे इसी कर्नाटक सरकार में, तब ये पूरे सरकारी नौकरी जब बेचे गए थे तब आप लोगों ने अपने जेवर बेचे, अपने जमीन बेचे। इसी गुलमर्ग में पीएसए स्कैम में 114 लोग अरेस्ट हुए हैं, 54 लोग, 50 से ज्यादा लोग स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 25 से ज्यादा लोग, 25-30 लोग अपने जमीन बेचे, जेवर बेचे। डॉक्टर साहब बोल रहे थे उस दिन कि सेरम से भी जो बंदा आया था, राइट स्टूडेंट आया था, वो भी अपना जमीन और अपना जेवर मां की जेवर बेच के एग्जाम को बैठा था। क्या हुआ? सब बेच दिए, नौकरी तक बेच दिए सरकार ने। और हमको बोलते जब कांग्रेस आई तो हम जेवर बिछवाएंगे, बिकने देंगे। डिमोनिटाइजेशन के समय पे आप लोग जो मेहनत की कमाई थी, खून पसीने की कमाई थी, जो 100 रुपए का 1,000 रुपए का जो अपने शोहर से छुपा के आप डब्बे में रखते थे, वो सब गया कि नहीं? डिमोनिटाइजेशन में नोटबंदी में गया कि नहीं? वो तो ब्लैक मनी नहीं था, वो तो काला धन नहीं था, वो तो बस शीशे में नहीं था, वो तो आपके डब्बा में था। वो डब्बे में कैसे है? ये आपके शोहर हो, आपके भाई लोग हो, आपको 1,000 रुपए दे देते थे, पूरा खर्च करके 100 रुपए 200 रुपए बचा के छुपा के रखते थे। क्यों? क्योंकि मजबूरी में काम आए हैं, वो भी लेकर गए। ये तब किसकी हुकूमत थी? वे बीजेपी की थे। अरे इसलिए ये हमेशा जो बोलते हैं भाषण में, वो हमेशा भटकाने वाली चीजें हैं। उनके भाषण में क्या रहता है मैं बोलता हूं, देखे ये चंद अल्फाज उनके भाषण से निकाल दीजिए, भाजपा का भाषण ही नहीं रहेगा। राम मंदिर, हनुमान चालीसा, सनातन धर्म,
पाकिस्तान मुसलमान घुसपैठिया मंगलसूत्र मटन मुगल राहुल गांधी खड़गे साहब शरद प्रकाश साहब प्रियंका खड़गे ये सब चीजें निकाल लीजिए और भाषण करने के बोल दीजिए उनके मुंह से अल्फाज से निकल बुलेट ट्रेन अरे बुलेट ट्रेन का भी एक वंदे भारत ट्रेन चलने के लिए आराम से बुलेट ट्रेन चलाना हर जगह लिया है एक ही एक चल रहे डॉक्टर साहब जब बात कर रहे थे तो एक बात बोले कि कलबुर्गी में एक लहर चल रहा है दो लहर चल रही है सर एक तो अनिल कृष्णा जी की लहर चल रही है दूसरा लहर है बीजेपी वाले चला रहे दो बात ज्यादा हमने चला रहे हैं कलबुर्गी साउथ में चला चितापुर में चला अफजलपुर में चला गुरमेटपुर में चला क्या चला रहे गोराख जाधव गोराख जाधव का नारा ना आवाम लगाई ना कांग्रेस वाले लगाया उसका नारा लगाया भाजपा के कार्यकर्ता ने भाजपा के लीडर्स ने उन्होंने क्या पूछा अरे उमेश जाधव पांच साल से हुकूमत हो दस साल से मोदी जी हुकूमत में है थोड़ा हिसाब दे दो भाई पांच साल का हिसाब दो साउथ स्मार्ट सिटी का है 2 करोड़ नौकरियों का है 15 लाख बैंक अकाउंट में का है बुलेट ट्रेन का है पूछ रहे हैं चलो भाई वो तो बहुत बड़ा होगा तुम्हारा हिसाब तो बहुत बोल रहे हैं अगर मैं उमेश यादव को पूछा पांच ऐसे काम बता दो कि हमको दिखाई दे अच्छा तो एक ऐसा इमारत हमने खड़ा किया एक ऐसा वाटर प्रोजेक्ट हमने लेकर आया इरिगेशन प्रोजेक्ट एक ऐसा 10 लोगों को नौकरी मिला एक ऐसा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ऐसा आया एक 10 लोगों को स्किल इंडिया मिला एक 10 लोगों को डिजिटल इंडिया से फायदा हुआ एक 10 लोगों को गरीब कल्याण से फायदा हुआ उन्होंने बोला कि पांच नहीं मैं 50 बोल सकता हूं मैं 50 का नहीं भाई सिर्फ 5 का पूछ रहा हूं फरवरी 10 तारीख को क्या हुआ पता है आपको अलम कौन साहब 10 तारीख को हमारे भाजपा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे ऑफिस को आए थे वो और हमारे जो चंदू पाटिल या अपने अपू पाटिल जो भी हारे है ना नहीं मुझको एक किस्सा याद आया बोले थे परसों एक वीडियो देख रहा था उनका जो भी है नहीं ऐसा बोल रहे थे अलग नॉर्थ में इस बार राधा कृष्णा जी को हम जीतने नहीं देंगे कांग्रेस खलास कर देंगे अरे कांग्रेस को खलास करने के लिए तेरे को 2 बार भेजे भाई 2 बार भेजे क्या कर रहे हो तुमने हमारी आटा इधर ही है चेतावनी दी है ऐसा लेटर दिया वो हमारा यूथ कांग्रेस लड़का भी हंसने लगा सर 10 साल का क्यों अच्छा भाई काम कर तू एक बस निकाल बस पे फ्लेक्स डालेंगे कल्याण है प्रगति रथ जाके फेब्रुवरी 12 को पूरे यूथ कांग्रेस के 5-6 बच्चे जाके उधर ठहरो कहा भाजपा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के सामने और जो भी बस चलना चाहते चलने दो पिछले 8 महीने का नहीं पिछले
क्योंकि हम हिसाब देने के लिए तैयार थे। गणेश प्रताप साहब हमारा हिसाब पूछो, ईएसएससी हमारा हिसाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारा हिसाब है, सामाजिक न्याय पर चर्चा किया करो, बेरोजगारी पर चर्चा किया करो, सिर्फ चाय पर चर्चा, मोदी की जन की बात, मन की बात सुनने से कुछ किसी को आवा किसी आवाम को फायदा नहीं होता। मैं सिर्फ एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, पूरे कम्युनिटी के से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, ये लोग डराएंगे धमकाएंगे, हमारी एकता तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर हमको एक होने एक पे लड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे मुस्तफा साहब बोल रहे थे, हर पेटर यूज करेंगे, अजमेर भी भेज देंगे आप, वो एक कहावत फिर है नहीं हज को बिल्ली हज को गई सौ चित्रे करके बिल्ली हज को गई है, नौ सौ मुंह से खा के बिल्ली हज को गई, ऐसा है भाजपा का। तो इसीलिए वो हमको एक दूसरे से लड़ाएंगे भी, पर हमको एकजुट होने एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव राधा कृष्णा जी का नहीं है, उमेश यादव का नहीं है, ये चुनाव हमारी तरक्की का चुनाव है, कलबुर्गी की तरक्की का चुनाव है, आयोग का तरक्की का चुनाव है। राधा कृष्णा जी बहुत ही सिंपल आदमी है, हमारी तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से आपकी बात सुनेंगे, कलबुर्गी की तरक्की के लिए एक ब्लू प्रिंट बनाए हैं, आप उनके साथ खड़े होंगे, जैसे शरद प्रकाश साहब है हम है, जैसे हम आपकी आवाज बेंगलुरु में है, कलबुर्गी में कलबुर्गी की आवाज दिल्ली तक पहुंचना है तो खड़गे साहब की थी, अब एक और आवाज जुड़ेगी वो राधा कृष्णा साहब। मैं एक लास्ट एक ही बोलना चाहता हूं, एक शेर के साथ, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है हमारा तो दौर आएगा। हम हमेशा से गणेश प्रतिमा पापा के साथ थे और रहेंगे, जैसे आप हमेशा बोलते हैं, नारे लगाते हैं, कमर सर के साथ भी
This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.